हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी एकेडमी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल। तो भारतीय भूगोल में हम लोग 1 से लेकर 20 तक के ले क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? पहला ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी न्यू मूर, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी गंगा सागर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? आरआरबी एनटीपीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। न्यू मूर द्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, अंडमान सागर में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दीव, ऑप्शन बी पांडुचेरी, ऑप्शन सी दादर एवं नगर हवेली, ऑप्शन डी दमन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीव। क्वेश्चन नंबर 26। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी दीव, ऑप्शन डी अलिया बेट एवं खादिया बेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 27। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन ए कुश द्वीप, ऑप्शन बी पुष्कर द्वीप, ऑप्शन सी जम्बू द्वीप, ऑप्शन डी कांच द्वीप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्बू द्वीप। क्वेश्चन नंबर 28। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस वैज्ञानिक किस भाषा में किया गया? ऑप्शन ए भारतीय सॉरी ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी ग्रीक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी निकोबार और सुमात्रा, ऑप्शन सी मालदीव एवं लक्षद्वीप, ऑप्शन डी सुमात्रा एवं जावा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 30। डंकन पास किसके बीच स्थित है? अंडमान निकोबार एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार, ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।